थाना प्रभारी निरीक्षक विकास कपिश के अनुसार पुलिस को शनिवार देर शाम सूचना मिली कि कोई केमिकल टैंकर चालक रतलाम केमिकल लेकर जा रहा था। बिना परमिशन के रास्ते में ग्रामवासी के अमृतसर ढाबा संचालक मंजय सिंह को टैंकर की सील तोड़कर ड्रम में केमिकल बेच रहा था, जिस पर पुलिस टीम ने तत्काल रेड करके टैंकर चालक आशिफ व ढाबा संचालक मंजय सिंह को घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन सहित ड्रम में टैंकर से केमिकल निकालते वक्त पकड़ा और पूछताछ करते हुए मंजय सिंह ने अपने ढाबे के पीछे बने गोदाम में अवैध रूप से संग्रहित करके रखे 37 केमिकल के ड्रम बरामद कराए हैं और एक अन्य व्यक्ति देवेंद्र पिता दिग्विजय सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी इंदिरा कॉलोनी सेरभा को अपने साथ अपराध में संलिप्त होना भी बताया गया है। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो कार क्रमांक MP09VC9424 जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, टैंकर क्रमांक MH46F3693 जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है और 3 मोबाइल जिसकी कीमत 60,000 रुपए व 7500 नकदी रुपए और केमिकल से भरे 37 ड्रम जिनकी कीमत 1,85,000 रुपए है। कुल जब्तशुदा मशरूका 42,52,500 रुपए का जब्त कर लिया गया है।